हेलो गाइस, तो आज आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे ट्रेन से, वो भी राजस्थान। तो आज हम आपको पूरा राजस्थान घुमाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, और आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, हम ट्रेन से राजस्थान गए और सबसे पहले हम पहुंचे बड़ी सादरी में। बड़ी सादरी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपको बिल्डिंग वगैरह दिखेगी और यहाँ पर पूरा एक ग्राउंड बड़ी सादरी के अंदर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको रील्स दिखाएंगे, कुछ रील्स जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ये दोस्तों आप रील्स देख सकते हैं, ये हमारे रास्ते वगैरह का फोटोस वगैरह है और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना शानदार नजारा यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हम चल दिए काश महल की तरफ। काश महल दोस्तों बहुत ही शानदार है, जहाँ पर आपको चारों तरफ काश ही कांच दिखेंगे और हमने वहाँ पर वीडियोस बनाई और कुछ पिक्स वगैरह भी क्लिक करे। वो चारों तरफ वहाँ पर लेडीज वगैरह थी, इसलिए हम थोड़ी देर में वहाँ से निकल आए। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ बाहर निकले तो हमें वहाँ पत्थर दिखा। यह पत्थर दोस्तों कोई सामान्य पत्थर नहीं है, यह पत्थर है राम पत्थर, जिसको आप जितना भी पानी में डालोगे इस पर राम लिखा हुआ है तो ये वापिस तैर कर ऊपर आ जाएगा। जिस प्रकार नल नील ने पानी में पत्थर फेंका था और वो तीरता रहा था, ये पत्थर भी उसी का एक पत्थर है जो कि पानी में तीरेगा। और अब मैं इस वीडियो में देखिए, मैं इसको जितना भी नीचे ढकेल रहा हूँ ये वापिस ऊपर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम निकल दिए अपने आगे के सफर और अब हम चलेंगे आमेर महल की तरफ। ये वादियों में आप जितना भी नजारा देख सकते हैं, ये आमेर महल है जो कि दोस्तों बहुत काफी बड़ा और काफी ऊपर किलोमीटर ऊंचा है, तो इसलिए हमें वहां तक जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा। उसके बाद हम आपको पूरा आमेर महल पास से दिखाएंगे और वहाँ पर हम चल के देखेंगे कितना मजा वहाँ से आता है। चलते चलते दोस्तों आप ये देख सकते हैं आमेर महल की दीवारें कितनी बड़ी है और अब हम वहाँ क्या करेंगे और वहाँ हम कैसे चलेंगे। दोस्तों आमेर महल कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ तक जाना कोई आसान काम नहीं था, और पैदल जाने में तो हमें दिन भर हो जाता है, इसीलिए हमने वहाँ जीप ली जो कि हमें 400 रुपए में आमेर महल के ऊपर तक पहुँचाएगी। दोस्तों जीप में हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ था और वहाँ तक ऐसे ऊपर जाना तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं था, वो भी पैदल पैदल, इसलिए हमने जीप ले ली। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर बैठा हुआ और फोन चला रहा हूँ, जो हमारा छोटा भाई है वो हमारी वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा है। दोस्तों अभी हम आमेर महल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप नीचे का नजारा देख सकते हैं। यहाँ से नीचे इतनी पब्लिक आपको दिखेगी, ये सभी महल देखने आए हैं और ये जो भी आपको गाड़ियाँ वगैरह दिख रही है ये सभी यूज करके आए हैं ऊपर आने के लिए। यहाँ से दोस्तों देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर इतने गेट्स है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस गेट से आप जाएंगे तो ऊपर पहुंचेंगे और किस गेट से नीचे आएंगे। मैं आपको कुछ सॉन्ग यहाँ पर सुना देता हूँ। दोस्तों राजस्थान का गीत सुनने के बाद हम आ गए हैं इनके महल में और दोस्तों ये महल काफी बड़ा है। आप यहाँ से देख सकते हैं महल के अंदर का व्यू, यहाँ पर ये सभी पब्लिक महल को देखने आई है। और दोस्तों महल का ग्राउंड इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी इसके अंदर ही रखी हुई है और यहाँ पर टिकट वगैरह भी ली गई है। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आपको टिकट के लिए पैसे पे करने होंगे और उसके बाद यहाँ पर आप घूम सकते हैं। यहाँ से आप नजारा देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा पीछे लेक से है, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और देखने में कितना शानदार लग रहा है, ये कितना प्यारा नजारा है दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए हमने फोटो वगैरह भी यहाँ पर हमने खिंचवाए। उसके बाद इसकी यहाँ कारीगरी देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी कारीगरी है और यहाँ पर ये पब्लिक वगैरह भी सब आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक गेट वगैरह दिखेंगे, अगर आप इसमें घूम गए तो आपके लिए निकलना मुमकिन ही नहीं है। वहाँ पर कुछ गाइड्स वगैरह भी है जिनको आप लेंगे तो ये आपके निकलने में वहाँ से मदद करेंगे। और पूरा यहाँ ग्राउंड भी बना हुआ है, ग्रास से ग्रास आपको चारों तरफ यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ पर घूम कर नीचे की तरफ आ गए और हमें देर हो रही थी, इसलिए हम आगे का रास्ता ट्रेन से सफर का तय करते हुए अगले अपने मंजिल के लिए निकल गए। दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही और अगली वीडियो में आप देखिएगा कि हम कहाँ घूमने चलते हैं और कमेंट में बताइएगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए।